15-16 बच्चे और बूढ़े बूढ़े माँ बाप वगैरह सब मंदिर काफी अंदर लोगों की रहने की आशंका है। इसमें अंदर 16-17 कंदम 16-17 अब तक कितने लोगों को ले जाया गया है? अरे ओनली तीन तीन लोगों को क्या स्थिति है उनकी? अब उसकी स्थिति ये है कि बच्चे हैं तो ठीक है, नहीं बच्चे हैं तो चलो भाई। देखा कि यहाँ पर बताया गया है कि एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस आई जा रही है, भगवान मालिक है और नहीं भगवान मालिक बताया जा रहा है। इस वक्त भ्रष्टाचार की उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं वो धरातल पर धराशायी होते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त देख सकते हैं जैसे कि रामपथ में देखा और यहाँ पर 3 वर्ष हुए, केवल मात्र 3 वर्ष हुए इस पानी टंकी को बने हुए और ये धराशायी हो चुकी है। माता जी क्या कहोगे इस टंकी को धराशायी होने पर? भैया ये तो बहुत गलत लगाई है ना, लड़की कटा चुकी है मेरे घर में से ही खुद। अच्छा लोगों की आशंका है यहाँ पर? मेरी मैंने 2 लोग ले रहे मेरे अपने घर में से। अच्छा मेरे माई और मामी और मेरी माई की लड़की खत्म आ चुकी है। कितने लोग? 3 लोग 2 लोग मेरा भर्ती है, 3 लोग हमने आतंक लगा रहे दीवार भोड़ गए। क्यों तो कितने लोगों की दबे रहने की आशंका है? नहीं पता हमको, 3 की पता हम हॉस्पिटल रख गए थे। टंकी बहुत गलत बनी भाई यहाँ पे। क्या कहोगे सरकार की ये दरअसल देखा जा रहा है कि दरअसल होती आ रही है जे सब रिश्वत खोरी चल रहा है। पहले दिन से ही ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है टंकी। अरे ये टंकी जंगल में बने बेटे, कौन घर में ना बने, घर में बने। बीएससी कॉलेज की टंकी बन रही है, चलन से ले रहे बस कहीं से टूटी ना ये टंकी। ये मार के अंदर झटका ले गई, इस पे क्या कहते हैं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, अंदर ही झटका ले गई है। 5 साल क्या हुआ, 3 साल हुए अभी, काम चल रहा है। क्या चल रही है बोले, बोल क्या कहना चाहोगे आप? बोलना बोभी चली जाती है, तो कुछ बात नहीं है। इस वक्त खाली पैसे खाली है, प्यारा और भी लोगों को निकाला जा रहा है। देख सकते हो अभी तो 15-16 लोगों को बताया जा रहा है, 15-16 लोगों को बताया जा रहा है। जब दो जने इनके द्वारा निकाले गए और भी लोग बताए जा रहे हैं। इस वक्त मथुरा से ब्रेकिंग न्यूज, मथुरा का सबसे बड़ा हादसा हो चुका है। मथुरा जनपद में इस वक्त इतनी बड़ी दुर्घटना हो चुकी है, यहाँ पर देखा गया है कि लगभग 3 लोगों की गंभीर रूप से हालत है और 15-16 लोगों को दबा नीचे दुर्घटनाग्रस्त दब रहे हैं। और बताया गया लगातार यहाँ पर एम्बुलेंस आई जा रही है। इस वक्त मथुरा प्रशासन क्या कर रहा है, क्या नगर निगम क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार जहाँ पर कह रही है करप्शन खत्म हो चुका है, क्या करप्शन खत्म हुआ है यहाँ पर? करप्शन खत्म हो चुका है? नहीं कुछ नहीं खत्म हुआ, करप्शन की भेंट चढ़ चुकी है, टंकी है भेंट चढ़ चुकी है। इंसानों से ज्यादा कीमत किसी की भी नहीं है संसार में, संसार में नहीं है। क्या कह रहे भाई साहब, करप्शन खत्म हो गया उत्तर प्रदेश सरकार का? मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार क्या है कि तरीके से काम नहीं करती है। मथुरा के बीचों बीच में जहाँ चारों तरफ लोग रहते हैं वहाँ टंकी बनाई गई है, मथुरा जनपद की सबसे बड़ी टंकी हो रहा है, मथुरा जनपद की सबसे बड़ी टंकी जहाँ से गंगा जल का पानी का जो सिंचाई किया जाता है वहाँ पर ये टंकी बनाई गई है। और इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है बहुत ही मैं कहूंगा कि लोग उसका यूज किया गया है जिससे टंकी एक इन इंजीनियरों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, जो अधिकारी है जो शासन प्रशासन है उसको सब मौके की पता करते हुए यहाँ का जो एक नजरिया देखते हुए शासन प्रशासन को जो जे ये ए ये यहाँ के इनको सस्पेंड करना चाहिए। सस्पेंड करने से कुछ नहीं है, यहाँ पे तो मर्डर हो चुका है इनके द्वारा, यहाँ पे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो तो मर्डर की श्रृंखला में आएंगे, मर्डर की श्रृंखला में ही आते हैं क्योंकि लोगों के द्वारा यहाँ पर क्या है कि कृत्य किया गया है इस तरीके से। मैं तो ये कहूंगा कि शासन प्रशासन योगी जी मोदी जी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं माध्यम से तो मैं कहना चाहूंगा कि पूरे सरकार जो यहाँ की जो है करप्ट हो चुकी है इस तरीके से कि उसको अच्छी तरीके से मतलब जो एक यहाँ पे सबके जेई है एई है एक्ससीएन है विद्युत विभाग के जितने भी आला अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होने की मांग कर रही है जनता। यहाँ पर देख रहे हैं कि मथुरा से इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, यहाँ पर मथुरा की जल निगम की जो मथुरा जनपद की सबसे बड़ी पानी टंकी है वो गिर चुकी है। जल निगम के अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी, यहाँ पर तमाम लोग हैं देख सकते हैं यहाँ पर, आप क्या कहोगे भाई साहब इस कार्रवाई इस पर? आप जल निगम के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जल निगम के क्या भ्रष्टाचार की भेड़ इस प्रकार चढ़ते रहेंगे? भ्रष्टाचार की भेड़ी जो अब तक चढ़ गई है, अब नहीं चढ़े ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। चलिए और भी दिखाते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर लोगों के द्वारा बताया गया कि इसका विरोध भी किया गया था परंतु उस विरोध का कुछ ही नहीं दिखाई दे रहा है। भैया 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 राजनीति विषय नहीं है, राजनीति विषय नहीं है, जो भ्रष्टाचार का विषय है।
थोड़ा सा काम कर लेंगे फिर सारी बातें। जिसने भ्रष्टाचार किया उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, उसका घर से टूट गया, उसका घर भी नहीं चलना चाहिए। वादा कर रहे हैं हम अधिकारियों पे देखा गया। यहाँ पर बताया गया कि लोग यहाँ के मथुरा के बीजेपी के आला बताए आला पदाधिकारी उनके द्वारा बताया गया। क्या कहना चाहोगे भाई साहब? जी यहाँ पर बहुत घटना घटित हुई है और जब हमको पता चला यहाँ पर तुरंत इस पर पहुंचा हूँ प्रशासन को आधे कौन घंटे बाद पहुंचा प्रशासन यहाँ पे चलाया। थाना कोतवाली क्षेत्र में कृष्णा विहार कॉलोनी है, जहाँ पे एक पार्क में 250 KL की टैंक थी वो बारिश के दौरान कोलैप्स कर गई और तत्काल सूचना प्राप्त होते ही सभी टीमें, रेवेन्यू की टीमें, पुलिस की टीमें, फायर ब्रिगेड की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यहाँ तत्काल पहुँच गई और स्थानीय लोगों का भी सहयोग उनको मिल रहा था। जो घायल थे उनको यहाँ से रेस्क्यू करा के एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। डॉक्टर्स की पीटी में यहाँ पर तत्काल आ गई और मेरे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा NDRF SDRF से संपर्क करके उनको भी बुला लिया गया। वो टीमें भी आ रही हैं, ऑन द वे हैं। साथ ही साथ स्थानीय यहाँ पे आर्मी यूनिट है, वहाँ से भी टीमें आ चुकी हैं। यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी फिलहाल किसी के दबे होने की आशंका तो नहीं बताई जा रही है, क्योंकि जितने भी घर आसपास हैं उन लोगों ने चेक कर लिया, कोई भी मिसिंग नहीं है। परंतु पूरी तरह से आश्वस्त होने के लिए मलबा को हटाया जा रहा है, हटाकर चेक किया जा रहा है कहीं कोई दायरी व्यक्ति अंदर ना हो। सभी टीमें एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रही है। स्थानीय लोगों का भी यहाँ पे सहयोग मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी हम लोग इस ऑपरेशन को कम्प्लीट करेंगे। इस खबर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।